और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अनाज एक ऐसा आहार है जिस पर हम लोग का जीवन डिपेंड है, जिस पर हम लोग निर्धारित हैं। सो दोस्तों, माँ भारती के लिए और अपने किसानों के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले। दो लाइक जरूर करते रहिए, हंसी हंसी आपको काटेंगे नहीं, बस लाइक करते रहिए आप लोग। हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो पर। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हमने अपना कपड़ा वपड़ा सब कुछ चेंज कर चुके हैं और आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि अब हम लोगों के बीच में धान की कटाई का सीज़न आ चुका है, जो कि दोस्तों इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी धान की फसल, जो कि आप लोगों ने देखा था कि धान की फसल तैयार होने की कगार पे थी और कुछ लोगों का धान का फसल कट भी रहा था। सो दोस्तों, फाइनली हमारा भी धान का फसल तैयार हो गया है रेडी, और दोस्तों अब हम भी अपने धान की फसल की कटाई करने जा रहे हैं। और अभी देखिए दोस्तों, हम आ चुके अपनी धान की फसल में, अपनी धान की खेती में, जहाँ पर हमने धान की रोपाई कर रखा था। अब हम अपने धान की कटाई स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार और वीडियो होने वाली है दोस्तों। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपको हम इस वीडियो में यही दिखाएंगे कि हम लोग को कितना मेहनत करना होता तब जाके कहीं हम लोग को एक अनाज का तिनका, एक अनाज का दाना प्राप्त होता है। बहुत सारे शहरों में लोग ऐसे हैं कि इस छोटे छोटे अनाज को, जो कि उसका महत्व नहीं समझते, उसे नालियों में और कूड़ों में उठा कर फेंक देते हैं। सो दोस्तों, आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि हम किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होता है तब जाके कहीं ना कहीं हम लोग को अनाज प्राप्त होता है। खैर, कुदरत की देन इतनी अच्छी थी इस बार कि हम लोगों का जो फसल है धान की, बहुत अच्छा हुआ है। और शुक्र है इस बात की कि हम लोगों की फसल में इस बार गंडो रोग नहीं लगा है। पिछली बार बहुत ज़्यादा गंडो रोग लगा हुआ था, जिससे हम लोगों की फसल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गई थी। इस बार की फसल दोस्तों अच्छी हुई है, तो थैंक गॉड करना चाहेंगे भगवान को कि इस बार का फसल हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत भी किया है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग अपने गांव में किस तरीके से धान की कटाई करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं और करके दिखाने भी वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आप जो इधर पीछे का हमारा खेत देख रहे हैं, टोटल दोस्तों 8 बिस्से का है। और अभी देखिए, हमने 2 बिस्से की कटाई कर ली है, आज सुबह ही हमने किया था। इधर देखिए, इधर हमने 2 बिस्से की कटाई कर लिया है। बाकी हमारा इधर का जो आप देख रहे हैं धान की फसल, ये 8 बिस्से का है। अभी इसको भी कटाई करेंगे, आज ही टोटल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ रोज़ कटाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसकी कटाई करते हैं। दोस्तों बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, वीडियो को बस एक लाइक करें इस किसान भाई के लिए और अपने इस देश को अनाज देने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग लाइक कीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं अपने इस गाँव में, अपने इस क्षेत्र में हम लोग धान की कटाई कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास हसिया, इसी से हम लोग करेंगे धान की कटाई। तो फाइनली अब दोस्तों चलते हैं, धान की कटाई को स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए, ये हमारा सारा धान। दोस्तों, धान की कटाई करते करते विवेक भी आ चुका हम लोगों के बीच में, और अभी देखिए विवेक कह रहा है कि हम भी धान की कटाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको विवेक की भी कटाई किस तरीके से ये कटाई करता है। खैर, सब लोग सेम एक ही तरीके से करते हैं। चलिए आज की वीडियो में आप लोग को विवेक से भी मिलवाते हैं धान की कटाई करते वक्त की। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए कंटिन्यू आप लोग वीडियो को, बस वीडियो को फटाफट लाइक जरूर करते रहिए, हंसी हंसी आपको काटेंगे नहीं, बस लाइक करते रहिए आप लोग और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो देखिए विवेक बैठ चुका है।
देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा जो हमने धान की कटाई कर रखा था, और ये देखिए इसको ले जा रहे हैं पशुओं के लिए। देखिए हमारी ठेली है, ठेली पर हमने उसको ऑलरेडी रख लिया है, और अब इसको ले जा रहे हैं घर पे। ये पशुओं के चारे के लिए हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी चारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आज हमने इतना सारा धान कटाई कर लिए हैं, बाकी अब हम कल करेंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों के यहाँ इंडियन कल्चर क्या होता है, और किस तरीके से आप लोग के किसान भाई कितना मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से एक एक अनाज का तिनका प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं कि गंडो रोग होता कैसा, जो कि धानों को नुकसान करता है। चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये है गंडो रोग, जो कि देखिए धान में काले काले और पीले पीले, अभी आपको सिर्फ पीला पीला दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम लोग गंडो रोग बोलते हैं। आप अभी हमारे हाथों पर देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारा हाथ देखिए कैसा हो चुका है। तो दोस्तों, यही है गंडो रोग, जिससे धानों की पैदावार में मार भी आ जाती है, और धान की गति भी कम हो जाती है, और जिससे धान की फसल अच्छी नहीं होती। ये देखिए, ये देख रहे हैं दोस्तों, यही है गंडो रोग, इसी को गंडो रोग बोलते हैं। तो खैर, इस बार बहुत ही कम गंडो रोग लगा हुआ है, और पिछली बार के मुकाबले तो बिल्कुल भी नहीं लगा, और लगना भी नहीं चाहिए दोस्तों, इससे हम लोग की फसल में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि फाइनली हमने अपने धान की कटाई स्टार्ट कर दिया है, और धीरे धीरे अपनी धान की कटाई सारा कर भी दिए हैं, और अभी देखिए दोस्तों, बस इतना ही और बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, डेली कटिया करनी है धान की। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फटाफट लाइक शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों आपके मन में अगर कोई सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अनाज एक ऐसा आहार है जिस पर हम लोग का जीवन डिपेंड है, जिस पर हम लोग निर्धारित हैं। सो दोस्तों, माँ भारती के लिए और अपने किसानों के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले। कुछ अगर हमसे त्रुटियाँ हुई हो या कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, अपने वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर।